प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो इतिहास पढ़ा रहे थे, तो आज भी उसी विषय पर आए। प्रथम चैप्टर आपका चल रहा था, उसमें ईटे, मनकी और अस्थियां के प्लॉट का नाम है, जिसके तहत आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में समझाया जा रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने बहुत कुछ आपको उसमें बताया कि ईटे क्या होते हैं, मनके, अस्थियां, ये सब पाठ के नाम जो पढ़े हुए हैं, यानी सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सभ्यता की जब वो जो इसमें ईटे, अस्थियां, मनके, ये सारी चीज़ें मिली थी, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता, ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा की खुदाई से प्रकाश में, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की खुदाई से प्रकाश में आई। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है तुक्का पता लगाया गया, जिसमें माधव स्वरूप और अखंडस बनर्जी ने किया था। तो 1922 में मोहनजोदड़ो और 1921 में हड़प्पा की खोज, तो ये जो हम आपको बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये खुदाई में दो प्रमुख नगर सामने आए। सिंधु घाटी की जब खुदाई होगी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो प्रमुख नगर सामने आए। इसकी म्युनिसिपल व्यवस्था तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से श्रेष्ठ थी। इसमें नगरीय जीवन के बारे में आपको बताना है हमें विशेषताओं के अंतर्गत। तो उस समय का नगरीय जीवन, नगर व्यवस्था कहते हैं कि इसकी म्युनिसिपल व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी श्रेष्ठ थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से श्रेष्ठ थी। नगरीय जीवन के तहत आता है मकान यानी भवन, सड़क, सड़कें, नालियाँ, स्नानागार, अंडागार, ये आपके हेडिंग्स हैं जिसको हम ऐसे ही संक्षिप्त में आपको समझाते हैं। तो वहाँ पे नगरीय जीवन के अंतर्गत सिंधु सभ्यता वासियों का भवन कैसा था, वो आज के भवनों से मिलता जुलता था। ये लोग पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे, भवन पक्के मिले हुए हैं और वे कई मंजिले, दो मंजिले और कई भी मंजिले भी मिले हैं। उसके जो है लकड़ी से वो पटा होता था, लेकिन उस पर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी होती थी और कमरों के खिड़की और दरवाजे रोशनदान, ये अक्सर खिड़की और दरवाजे पीछे की तरफ खुले होते थे। क्यों? कोलाहल से दूर रहने के लिए, शांति के लिए ऐसा बनाया गया था। तो वहाँ पे भवने पक्के मिले हैं और कई मंजिले भी मिले हैं और दो भवन आस पास आमने सामने जो मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें गरीब किस्म के लोग रहते थे। तो यहाँ पे फिर आते हैं हम सड़कों के बारे में। नगरीय जीवन के अंतर्गत भवन अच्छे थे और उनमें सीढ़ियाँ बनी होती थी, रसोई की व्यवस्था थी और ये लकड़ी से फटे होते थे, ये जो है अच्छे ईंटों का प्रयोग करते थे, आज के भवनों से मिलते जुलते थे, ये भवन हो गया। इसके बाद सड़कें समतल पे काटती थी, चौड़ी होती थी, सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियाँ होती थी, सड़कों पर जगह जगह कूड़ेदान की व्यवस्था थी। इससे ऐसा लगता है कि सिंधु निवासी जो है सफाई से भी सिर पर बढ़ते थे, सफाई स्वच्छता प्रेमी थी, इसलिए सड़कों पर जो कूड़ेदानों की व्यवस्था थी तो उसे देख करके लगता है कि ये लोग स्वच्छता प्रेमी थे। सड़कें समतल पर काटती थी, चौड़ी होती थी और आज के सड़कों से मिलती जुलती थी। नालियों की व्यवस्था थी, घर के घर में पानी को निकालने की निकासी की व्यवस्था थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी,
और सड़क के किनारे किनारे भी नालियाँ होती थी, नालियाँ घरों से जुड़ी होती थी जिससे गांव के गंदे पानी निकल सके। और इसके बाद हम आते हैं नालियाँ सड़कें कौन ये हो गया आपका नगरीय जीवन में, फिर है स्नानागार। स्नानागार में यहाँ एक बहुत विशाल का है स्नानागार मिला हुआ है मौजूदों में, तो उस स्नानागार का प्रयोग ऐसा माना जाता है कि विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता था। विशेष पर्वों पर लोग इसमें यहाँ पर स्नान करते रहे होंगे क्योंकि वह कुंड बहुत बड़ा है। यह स्नान कुंड जो है स्नानागार बहुत बड़ा है, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और पानी के निकासी की भी व्यवस्था है। पानी अंदर भरने के लिए भी पासी में कुएँ और बहुत दूसरी प्रकार की चीज़ों की ऐसी व्यवस्था है जिससे उसमें पानी भी भरा जा सकता है। और छोटे छोटे कमरे भी मिले हैं जिससे लगता है कि इन लोगों को कपड़े बदलने वगैरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऐसा देखकर लगता है कि ये लोग किसी विशेष अनुष्ठान में इसका प्रयोग करते रहे होंगे। ये विशाल स्नानागार के बारे में आपने जाना। और अब है आता है अन्नागर। अन्नागर क्या होता है, जैसे आज है मालोदम तो वहाँ पर अन्न भंडार होता है, यहाँ पे तो हमारी सरकार वहाँ पे अन्न का भंडारण कराती है, अन्न को जमा करवाती है और वहाँ से फिर कंट्रोलों पर इधर उधर जहाँ उसको जरूरत होता है अन्न का वितरण करवाती है। तो उस समय भी अन्नागार होता था जहाँ पे सरकारी अन्न का भंडारण किया जाता था, जमा किया जाता था, वहाँ पे अन्न का जमा यानी अनाजों को एकत्र किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, उसको हम अन्नागार कहते हैं। ये आपका नगरीय जीवन है जिसमें भवन सड़कें और जो है अन्नागार स्नानागार ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं सामाजिक जीवन में। यह आपका अब सामाजिक जीवन संक्षिप्त रूप में बच्चों हम आपको समझाते हैं, लेकिन इसको लिखाने की जरूरत होगी तो लिखाया जाएगा। यदि ऐसे ही यूं ही क्लास चलता रहा तो आपको नोट्स भेजे जाएंगे और यदि स्कूल खुलने की संभावना तो लग रही है, यदि खुलती है तो हम आपको क्लास में भी लिखाया जाएगा, तो इसकी आप चिंता न करें, इसको समझें। तो यहाँ पे सामाजिक जीवन के बारे में हम समझाते हैं। सामाजिक जीवन यानी समाज में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हम क्या करते हैं, हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, वही तो सामाजिक जीवन है। यानी सामाजिक जीवन के अंतर्गत भोजन वस्त्र आभूषण मनोरंजन के साधन ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सामाजिक जीवन में इसके अंदर जो है भोजन वस्त्र आभूषण और मनोरंजन के साधन ये चीज़ें आपका सामाजिक जीवन में आती हैं। तो इसको हम पहले भोजन को ले लेते हैं। तो भोजन सिंधु निवासियों का भोजन के बारे में हमको बताना है। तो ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, गेहूँ और जौ का प्रयोग करते थे, तिल चावल दाल अनेक प्रकार के साग सब्जियाँ खजूर आदि से भी ये सब परिचित थे लोग। और कहते हैं मांस मछली का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे सिंधु निवासियों के बारे में कहना है, संक्षेप में आप ये समझ लें कि उसमें ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। इसके अंतर्गत आ जाएगा कि लोग साग भाजी चावल दाल गेहूँ जौ आदि का प्रयोग करते थे, तिल आदि का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा ये साग भाजी और तमाम तरह की सब्जियाँ वगैरह का भी प्रयोग करते थे और मांसाहारी से मतलब ये मांस मछली का भी प्रयोग करते थे। यानी भोजन है सिंधु निवासियों का मुख्य भोजन तो गेहूँ और जौ ये है। तो इसके बाद जो है हम आते हैं भोजन हो गया वस्त्र के बारे में। सिंधु निवासी सूती ऊनी दोनों कपड़ों का प्रयोग करते थे।
सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये करते थे। कहते हैं रंगीन वस्त्रों से इन्हें विशेष लगाव था, ये रंगीन वस्त्रों से इन्हें विशेष प्रेम था। ये संक्षेप में आप जानेंगे सूती ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इन्हें रंगीन वस्त्रों से विशेष लगाव था। अब आते हैं आभूषण, तो सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण प्रेमी थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अमीर लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहनते थे और गरीब लोग पक्की मिट्टी सीपी हड्डियों के जैसे छोटे छोटे घोंगी होती है जिसको आप डांस करते हैं उनका भी आभूषण बनाते थे, पक्की मिट्टियों के आभूषण बनाते थे, हड्डी का भी बनाते थे। तो ये आभूषण गरीब लोग पहनते थे। बच्चों आज भी वो चीज व्यवस्था चल रही है कि आज भी अमीर लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहन रहे हैं और गरीब लोग नकली सस्ते किस्म के धातुओं के बने आभूषण का प्रयोग करते हैं। पहले था सिंधु निवासी भी ऐसे क्या करते थे, उसमें गरीब लोग जो है सीपी के हड्डियों के पक्की मिट्टी के आभूषण पहना करते थे और अमीर लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के साधन में ये पशु पक्षियों की लड़ाई देखना, शतरंज खेलना और भी छोटे छोटे बच्चे खिलौने से खेलते थे, इस तरह का मनोरंजन का साधन ये था। और इसके बाद हम आते हैं आर्थिक जीवन पे, सिंधु निवासियों का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में सिंधु निवासी कृषि कार्य करते थे, खेती करते थे, जिसमें आपने सुना कि ये जौ गेहूँ चावल का प्रयोग करते थे। तो ये स्वाभाविक है कि जिन चीज़ों को ये खाते थे उसकी खेती करते रहे होंगे। तो वहाँ इसमें सिंधु निवासी जो है उस समय गेहूँ जो ये चीज़ों की खेती करते थे। और इसके बाद आर्थिक जीवन में इन्हें खेती के अंतर्गत ये सिंचाई वगैरह सब की व्यवस्थाएँ हैं और कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में तमाम जो है कि जानवरों का प्रयोग बताया गया कि लोग जो है जानवरों को पालते थे, उनके लिए दूध के लिए मांस के लिए ये जानवरों को पालते थे। और इसके अलावा जब यह समय बचता था कृषि और पशुपालन के अलावा जो समय बचता था तो उसमें छोटे छोटे और भी उद्योग धंधों को किया करते थे, जैसे कपड़ों की छपाई, रंगाई, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ों की रंगाई करना, ये सब सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब छोटे छोटे उद्योग धंधे ये लोग, मनके बनाना, ये सब काम ये लोग करते थे। तो ये सिंधु निवासियों के आर्थिक जीवन के अंतर्गत था। आर्थिक जीवन, आर्थिक का मतलब होता है कि उनका कारोबार क्या था, ये क्या बोलते हैं। तो ये कृषि पशुपालन और छोटे मोटे और उद्योग धंधों को किया करते थे। इसके बाद आते हैं धार्मिक जीवन में, तो सिंधु निवासी का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन से मतलब पूजा पाठ रीति रिवाज ये सब है। तो ये लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशु पक्षियों कहते हैं प्रकृति की भी पूजा करते थे, जिसमें वृक्ष अग्नि सूर्य ये सब आ जाता है, नदी की पूजा, यानी ये प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। मुख्यतः ये मानते हैं कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा अधिक किया करते थे और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। कुछ मूर्तियाँ भी मिली है इससे हम इस पर इसका अंदाजा लगाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये इस प्रकार की पूजा पाठ करते थे, पशुपति शिव की, प्रकृति की और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। धार्मिक जीवन में संक्षेप में आप इतना सुनिए, उसके बाद अब ये विशेषताएँ आपकी खत्म हो गई, इसके बाद सिंधु सभ्यता के मोहनों के बारे में बताना है।